करियर गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको DLW का जो अप्रेंटिस का फॉर्म आया है उसको भर के बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको भरना है, क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड क्वेरी आ रही है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दी जाए। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम एक एक चीज करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सबको समझाएंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे sarkarijobfind.com पे। यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आने के बाद sarkarijobfind.com पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आ सकते हैं, या तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब फाइंड SARKARIJOBF, सरकारी जॉब फाइंड SARKARIJOBFIND, सरकारी जॉब फाइंड सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी। आप यहाँ पे आइएगा। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म का सेक्शन। आपको इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म का सेक्शन में आपको यहीं पे इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा इस DLW का फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखिए कि DLW का फॉर्म कहाँ है, तो ये है रेलवे DLW वाराणसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए नीचे आना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं जिसमें फॉर्म भरने की सारी लिंक्स दी गई हैं। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो जो है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्म भरने के लिए, और कैसे कैसे नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप इसे देख सकते हैं, चैनल पे है। फॉर्म भरने के लिए और लिंक आपको खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ है और साइन एग्जिस्टिंग यूजर है, दो चीजें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है यदि आप पहली बार फॉर्म भर सके हैं भर भर रहे हैं, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक कर सकते हैं साइन इन पे। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। निर्देश सबको हिंदी में लिखे हुए हैं, हमने इसके बारे में वीडियो बना दी है, सबको निर्देश हमने बता दिया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो को। ये आपको वीडियो भी नीचे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेप क्या है, आवेदन का प्रकार। तो आप ITI के लिए भरना चाहते हैं या नॉन ITI के लिए, तो मैं ITI के लिए भरना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मैं भर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रेड पूछ रहा है, ट्रेड सेलेक्ट कर दिया। नाम पूछ रहा है कैंडिडेट का नाम, मान लीजिए मेरा नाम अमन कुमार यादव है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमन कुमार यादव, AMANKUMARYADAV। मदर्स का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लालमणि। मदर्स का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, मदर्स का नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर अपना सेलेक्ट कर लीजिए, समुदाय जनरल OBC ST है जो भी सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर का हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप जो है जनरल सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज नहीं आएगी जो ये। उसके बाद जैसे आप OBC ST सेलेक्ट करेंगे तो ये किसमें चीज और एक्स्ट्रा आ जाएगी, आप देख रहे हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पे आप जब OBC सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है एक OBC का सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो भी OBC का सर्टिफिकेट नंबर आपका बना है, जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र बना है वहां पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे जिस डेट का बना है उस डेट को यहाँ पे डालिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा इस डेट का बना है, तो ये मैं डेट डाल दिया, मतलब 10 अगस्त 2018 का मेरा सर्टिफिकेट बना है तो मैं डाल दिया। आप अपना भी 10 अगस्त को बना है जाति प्रमाण पत्र डाल दीजिए, ये नहीं बना है तो बनवा के जल्दी से जल्दी इसको भर लीजिए, तो ये जरूरी है। क्या आप उसके बाद भूतपूर्व सैनिक है, नहीं है तो इसमें नहीं। उसके बाद दिव्यांग नहीं, जन्मतिथि यहाँ पे डाल दीजिए, तो जन्मतिथि है मैं मान लीजिए डाल दिया मेरी जन्मतिथि है यहाँ पे इतनी, सुरक्षा 1999, मैं जन्मतिथि डाल दिया। मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको डालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक एलिजिबिलिटी पे चेक कर लीजिए यदि आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आगे ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ईमेल मैं एक डाल देता हूँ BEEPAIR7@YAHOO.com, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसी पर आपका पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको कंफर्म कर देता हूँ, ईमेल की जो है कंफर्मेशन मांग रहा है तो फिर से आपको कंफर्म कर देना है, तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए कंफर्म हो गया BEEPAIR7@YAHOO.com, ठीक है ये कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांग रहा है, तो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स मतलब आपके शरीर पे जो भी आइडेंटिफिकेशन है डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ राइट टैटू, राइट साइड टैटू मैं डाल देता हूँ RIGHT TATTOO।
नेशनल इंडियन है, इंडियन डाल दीजिए। यूपी बोर्ड आप कहाँ से पास करें हैं वो डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं पास हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड से, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे है उत्तर प्रदेश बोर्ड, तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग बिहार हो गया। उसके बाद देखते हैं कहाँ चला गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ ये मिल गया। तो ये आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पे डालना है, जो भी आपका बोर्ड है। तो आप यहाँ पे पासिंग ईयर उसके बाद डालना है, जैसे मैं 2014 में पास हुआ हूँ। उसके बाद आपका रोल नंबर डालना है, मैं रोल नंबर अपना डाल लिया। जहाँ जहाँ स्टार लगे हैं वहां आपको डालने हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, जो जो स्टार लगे हुए यहाँ पे हैं। आगे जाते हैं, ग्रेड सिस्टम था या नहीं, मेरे में नहीं था तो मैं नहीं डालूंगा, आपके में है तो आप जो है ग्रेड सिस्टम डाल लेंगे। उसके बाद सीजीपीए पूछेगा तो अपना सीजीपीए डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे में नहीं था तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स मांग रहा है वो डाल देता हूँ। फिर उसके बाद अटेंड मार्क्स में डाल देता हूँ। उसके बाद ये जो है हो गया, उसके बाद ये सब फिल हो गया है। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए सब कुछ सही है, यहाँ पे मैं सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आगे पंजीकृत पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सबमिट, डू यू वॉन्ट टू सबमिट, प्लीज वैलिडेट ऑल डिटेल्स, तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ओके के क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है तो जो है रजिस्टर्ड, यहाँ पे सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो मैं ये फिर से एक बार किया हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप जो है क्या हुआ होगा, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका मेल आया होगा और आपके मोबाइल नंबर पे, जिसमें आपका क्या होगा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे खोल लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कुछ आया है नहीं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। तो जब जैसे ही मैं आता है उसके बाद मैं फिर से वीडियो स्टार्ट करता हूँ इसे बनाना। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आप सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है तब तो मैं बता देता हूँ। देखिए सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, सेकंड स्टेप में इस वेबसाइट पे आपको आना है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर है, साइन इन पे आपको क्लिक करना है। तो साइन इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो है जो आपको यहाँ पे आपके मेल पे आया होगा आपका, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लीजिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करके फिर आगे के स्टेप्स आपको बताता हूँ, तब तो मैं वीडियो को रोक देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आया है वहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, तो ये है DLW235, ये कितना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको नई विंडोज ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो अपलोड करने हैं वो चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मांगेगा आपको डीडी से रिलेटेड, जो आपके जो फी पेमेंट से रिलेटेड मांगता है मांगेगा। तो यहाँ पे आपको भरना है फी पेमेंट से रिलेटेड। तो फी पेमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको भरनी है, जिसमें आपको यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले आपको फीस जो आपने डीडी बनवाई है उसकी जो रिसिप्ट मिली है उसमें डीडी नंबर है, डीडी नंबर को डालना होगा। उसके बाद किस डेट को डीडी बनी है वो डालना है, और उसके बाद आपको किस बैंक से बनवाए हैं वो डालना है। उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जो है फोटो अपलोड करने का सेक्शन। फोटो अपलोड करने में आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद आपका जो है यदि आप ओबीसी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है ओबीसी का। यदि आप जो है फीस रसीद जो है डीडी का जो है फोटो वो भी अपलोड करना है, और आपको ये चीजें अपलोड करनी है, फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट। ये चीजें अपलोड करने के बाद आप जो है डीडी नंबर वगैरह फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आगे के फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म भरा जाएगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ। जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए फोटो की साइज जो है 20 से 50 KB में होनी चाहिए, मतलब कि जो भी फोटो आप अपलोड करेंगे 20 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो ऐसा करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद फॉर्म को आपका सबमिट हो जाएगा, फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। फाइनल प्रिंट निकलने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, उस जो फाइनल प्रिंट निकलेगा उसको कहीं भेजने भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी जो डीडी मिली है आपकी बैंक से उसको आपको भेजना है। उसको कहाँ पे भेजना है, यहाँ पे भेजना है, देखिए मैं बता देता हूँ। उसको भेजना है यहाँ पे महाप्रबंधक कार्मिक कार्यालय, पोस्ट डीजल रेल कारखाना, जिला वाराणसी, पिन कोड 22200। तो यहाँ पे आपको भेज देना है सिर्फ उस डीडी को अपने लिफाफे में रख के। तो ये पूरा स्टेप्स रहा, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।